नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो। चलिए देखते हैं आज की अहम और ख़ास खबर। जैसे कि मैं बताया कि ज़ायरीन सुबह से ही जो है तो दायरा हज़रत मीर मोमिन क़िबला पे तशरीफ़ लाते हैं। दरगाह में आने के बाद में उनकी जो भी मुरादें हैं वो हर रोज़ आते हैं और लोग जुमेरात जुम्मे को ज़्यादा आते हैं, लेकिन आज बरोज़े पीर जब हज़्ब दस्त हमेशा की तरह जब वहाँ के निगरान का तशरीफ़ लाए और देखे कि दरवाज़ा टूटा हुआ था, अंदर जाने के बाद में गोलक यानी गल्ला भी टूटा हुआ था, जिसके फौरी बाद जो है तो हमारी कमेटी के मुंतजमीन ने मुझे फ़ोन किया और मैंने भी फौरी जो तो सुबह मैं पुलिस को इत्तला की मुगलपुरा पीएस को, और पुलिस आई और वहाँ के निगरान कार ने भी जो तो पुलिस को वो किया। तो बहरहाल हमारा मकसद ये कि हुकूमत से कि जो तो आए दिन जो तो रात में इन इलाके में जो चोरियाँ हो रहे हैं वहाँ के अलावा अब इन मुकद्दस मुकाम पर भी लोग चोरियाँ कर रहे हैं और गलत जो है हरकतें कर रहे हैं, इस पर रात में पुलिस की पिकेट दायरे के अतराफ में होना चाहिए और अंदरूनी हिस्से में होना चाहिए। और दायरे के तो दाखिल होने के चार रास्ते हैं, एक रास्ता मेन गेट से, दूसरा रास्ता पीछे गली में से जिसको गेट नंबर 2 कहा जाता, और तीसरा रास्ता आपके पुलिस डिपार्टमेंट मुगलपुरा पीएस जो है पीएस के बाजू से भी एक रास्ता है, तो यहाँ से भी जो है तो आप राउंड के लिए आ सकते हैं। तो मैं हुकूमत से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करता हूँ एरिया पीएस से ख़ास तौर पे, और मुकामी आवाम से भी ख्वाहिश करूँगा कि ऐसे मशकूक लोगों को अगर आप लोग देखें तो फौरी जो है कमेटी के तो मुंतजमीन रहते हैं और रात का सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, आप उनको इत्तला कर सकते हैं। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी हुकूमत से, पुलिस से और मुगलपुरा पीएस से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस तरह के करने वाले हरकत करने वाले खातियों को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है फौरी बाकी की इत्तला पर पहुँच कर यहाँ पर पूरे यत्रो अपने कैमरे में यत्रो इस वाक़े को कैद किया, और इस पर जो यत्रो वो भी यत्रो मीडिया भी चाहती है कि इस तरह के होने वाले साबिक में भी वहाँ पर सीसी कैमरों को भी डैमेज किया गया और दायरे आते के अंदर दरगाह के अंदर भी जो है जो सीसी कैमरे थे उसको भी डैमेज किया गया। ये एक सोची समझी साजिश है, मालूम है कि कब निगरान कर आता है और कब जाता है और कब ज़ायरीन जो तो आते हैं। ज़ायरीन रात के 12-1 बजे तक भी आते हैं, कुछ ऐसे ज़ायरीन हैं जो रात में 12-1 बजे तक भी आते हैं। इनके जाने के बाद में इस तरह की शरंगेजी हुई है जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। उम्मीद के जल्द तहकीकात करने पर इस तरह के चोर सारे जो है वो पकड़े जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, सैयद हामिद हुसैन जाफ़र।